फरसाबहार कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निरंजन ताम्रकार की अगुवाई में फरसाबहार एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में मांग के अनुसार मात्र 45% ही खाद दी गई है, जिससे यहां किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ सीजन के लिए 11.75 लाख टन रासायनिक उर्वरकों के आपूर्ति करने के लिए कहा गया था, जिससे किसानों की खेती न पिछड़े, साथ ही किसान खाद की मार को न झेले। फरसाबहार विधायक कार्यालय से कांग्रेसियों ने पदयात्रा कर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष निरंजन ताम्रकार ने बताया कि केंद्र सरकार वादा खिलाफी के साथ साथ बेतहाशा कीमत तो बढ़ा रही है, साथ ही किसानों के हित के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, साथ ही मांग के अनुरूप किसानों का खाद उपलब्ध नहीं कर रही है। फरसाबहार से लोहित सिंह की रिपोर्ट।